हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है। मुझे किसी फार्मर ने पूछा था कि मैडम, क्या केमिकल फार्मिंग करने वाले एग्रो होम्योपैथी को सक्सेसफुली अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाइए। देखिए, वैसे तो इस बारे में मैंने अपने बाकी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि केमिकल फार्मिंग वाले किस तरह से एग्रो होम्योपैथी को अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में फिर से आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या एग्रो होम्योपैथी को केमिकल फार्मिंग के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर होना चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर हम केमिकल फार्मिंग में होम्योपैथी को यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि हम सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं केमिकल के साथ भी होम्योपैथिक दवाओं को अपनी खेती में। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और होम्योपैथी दवाई बराबर असर करेगी। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे कि जिस कंटेनर में हम मिक्सिंग कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जो मिक्स किया है, उसमें होम्योपैथिक दवा यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से डिसइनफेक्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का कोई रेजिड्यू ना हो जिसमें हमने अपनी मेडिसिन मिक्स करनी है। और दूसरी बात यह है कि कितने दिन बाद हम यूज़ सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो बुक्स में 7 to 8 days का गैप बताया गया है कोई भी केमिकल और होम्योपैथिक दवा यूज़ करने के बीच में अपनी किसी भी फसल में, लेकिन कम से कम 48 से 72 घंटे का, यानी कि 48 to 72 hours का गैप ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप आज अपनी फसल में किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे किया है या जड़ में कोई फर्टिलाइज़र दिया है, तो आप कम से कम 48 hours तक, 2 दिन तक वेट करेंगे, उसके बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी फसल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आज होम्योपैथिक दवा का यूज़ किया है, तो 2 दिन बाद आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि दोनों चीज़ों के बीच में कम से कम 48 से 72 घंटे का, यानी कि 48 to 72 hours का, या दो से तीन दिन का गैप आपको ज़रूर रखना है। आप सेम डे या सेम टाइम पे दोनों को मिक्स करके यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के केस में भी फॉलो करनी है। अगर आप अपने खेत में टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, आप अपनी फसल में ऑर्गेनिक खाद या ऑर्गेनिक कीटनाशक ही यूज़ करते हैं, तब भी आपको दवाई और ऑर्गेनिक खाद के बीच में भी कम से कम 48 to 72 hours का गैप रखना है। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको दोनों के बीच में कम से कम 48 to 72 hours का गैप रखना ज़रूरी है। दोनों को आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का खास ध्यान रखें। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 7 दिन का दोनों के बीच में गैप रखें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इतने दिन का गैप नहीं रख सकते, तो कम से कम 48 से 72 घंटों का गैप रखना ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों का जो भी सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से अपनी क्वेरी का जवाब ले सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।